जम्मू कश्मीर डोगरा राज्य का दर्जा बहाल करो, जम्मू कश्मीर डोगरा राज्य का दर्जा बहाल करो, 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करो, 4G मोबाइल बहाल करो, जम्मू संभाग से भेदभाव करना बंद करो, मंत्रियों के शहर को टोल प्लाजा का शहर बनाना बंद करो, मंदिरों के शहर को टोल प्लाजा का शहर बनाना बंद करो, अनाथ माता के पैंथर पार्टी जिंदाबाद, भारत की आवाज जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर डोगरा राज्य का बहाल दर्जा बहाल करो, दर्जा बहाल करो, 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करो, 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल करो, जम्मू संभाग से भेदभाव बंद करो, जम्मू संभाग। देखिए पिछले वर्ष 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा हमसे छीन लिया गया। ये एकमात्र डोगरा राज्य था पूरे हिंदुस्तान में जिसका दर्जा छीन कर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पैंथर्स पार्टी आज उन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रही है जो जाति के प्रतीक हैं जम्मू प्रांत के साथ, और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमारा 200 साल पुरानी डोगरा रियासत को जिस तरीके से डिसमेंटल किया गया और उसका यूनियन टेरिटरी बनाया जाना यहाँ के लोगों को गवारा नहीं है। साथ ही साथ उसी दिन इंटरनेट सेवाएं जो हैं 4G वो बंद कर दी गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ के विद्यार्थियों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के ट्रेडर्स को, यहाँ के प्रोफेशनल्स को, यहाँ के मीडिया मैन को, यहाँ की सिविल सोसाइटी को, एक साल से लगातार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि 4G सेवाएं जो 5 अगस्त 2019 को यहाँ बैन की गई थी उनको बहाल किया जाए, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। इसी तरीके से पिछले एक वर्ष में मुलाजमत से यहाँ के नौजवानों को मुकम्मल तरीके से महरूम रखा गया, पोस्टें एडवर्टाइज तक नहीं की गई। वादा ये किया गया था जब 370 अबॉलिश हुआ कि फौरी तौर पर 50,000 नौजवानों को फास्ट ट्रैक बेसिस के ऊपर भर्ती किया जाएगा, और 3 महीने के अंदर उन तमाम भर्तियों को अंजाम देने की बात की गई थी, लेकिन एक साल गुजर जाने के बाद अभी तक कहीं भी नई एम्प्लॉयमेंट नज़र नहीं आ रही है, मासवाए कुछ एक पोस्ट जो क्लास 4th की एडवर्टाइज़ की गई हैं, और उनमें भी ये कहा गया है कि हाईली क्वालिफाइड यूथ जो है वो अप्लाई तक नहीं कर सकता है। जो बेरोज़गार नौजवान हैं वो भी बहुत गुस्से में हैं। इसी तरीके से जो लगातार टोल प्लाजाज यहाँ यूनियन टेरिटरी बनने के बाद दिए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि 2 टोल प्लाजा और बनाए जाएंगे, एक अखनूर में, एक रिंग रोड के ऊपर। 4 टोल प्लाजाज पहले ही यहाँ लगा दिए गए हैं। ये एक ऑर्गेनाइज्ड लूट है जिससे यहाँ के लोग जो हैं वो आहत हैं, गुस्से में हैं, और उस गुस्से का इजहार भी यहाँ पैंथर्स पार्टी आज के दिन कर रही है। इस महामारी के दौरान जिस तरीके से लोगों की जेबों के ऊपर डाका डाला जा रहा है, ये टोल प्लाजाज लगाकर उसकी भी पैंथर्स पार्टी जो है सख्त कंडेमनेशन करती है। और ये हम मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा डोगरा राज्य 200 साल पुराना था उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पैंथर्स पार्टी इन्हीं इश्यूज़ को लेकर कर रहे हैं। जब 370 अबॉलिश हुआ था तो हम पूरा उसका समर्थन कर रहे थे कि ये ख़त्म होना चाहिए, और BJP से पहले से पैंथर्स पार्टी ये मांग करती रही है कि 370 जो है वो एब्रोगेट होना चाहिए, लेकिन जो वादे